अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री। अक्टूबर मासिक राशि फल 2023। अक्टूबर का महीना हर राशि के लिए अनोखा रहने वाला है। इस दौरान होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। अक्टूबर माह का मासिक राशिफल आपको बताएगा कि यह गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि यह सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के बारे में मूल्यवान सलाह भी प्रदान करेगा। यह आपके व्यक्तिगत जीवन और करियर दोनों पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है। इस प्रकार अब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सपने देखना बंद करें और उनमें से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू करें। यह महीना आपके करियर और निजी जीवन दोनों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। यदि आप इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठाते हैं तो आप एक शानदार अवधि का अनुभव करेंगे। आप वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा। अभी आपके लिए विशेष रूप से अपने करियर में दीर्घकालिक लक्ष्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन की योजना पहले से बनाई हुई है तो ग्रहों की चाल आपको बताएगी कि आगे आने वाले अवसरों का लाभ उठाते हुए वास्तव में जीवन का आनंद कैसे लें। वृश्चिक मासिक राशि फल 2023। यह महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़ने और एक बेहतर इंसान बनने का एक बड़ा मौका है। यह सोचने के लिए कुछ समय लें कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वे नई चीजें सीखना, पढ़ना या खुद की देखभाल करना हो। व्यक्तिगत विकास के अवसरों की तलाश करें, जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप में भाग लेना या ऑनलाइन कोर्स में शामिल होना। चुनौतियों से ना डरें, वे आपको बेहतर होने में मदद कर सकती हैं। बुध 1 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचने का एक अच्छा समय है। ध्यान रखें कि आपका करियर, वित्त और प्रेम जीवन आपको कैसे प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया के अंत तक आपके पास एक बेहतर विचार होगा कि आगे क्या होगा और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। यह आपको यह पता लगाने में भी मदद करेगा कि अपने जीवन को सामान्य रूप से कैसे बेहतर बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2023 को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास अपने आध्यात्मिक पक्ष का पता लगाने का एक अच्छा मौका है। संतुलित और स्वस्थ महसूस करने के लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होना महत्वपूर्ण है। इसलिए सोचने, ध्यान करने या किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि के लिए कुछ समय निर्धारित करने का प्रयास करें जो आपको अपने आप से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करा सके। अगर आप ऐसी चीजों को करते हैं जो आपको खुश और अधिक शांत महसूस कराती हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से सोचने और व्यक्ति के रूप में विकसित होने में भी मदद कर सकती हैं। अकेले कुछ समय बिताने से ना डरें और इस आध्यात्मिक यात्रा पर खुद को बेहतर तरीके से जानें। मंगल 3 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समय निकालें। सबको ध्यान से सुने और अपने प्रियजनों की सराहना करें। याद रखें, प्यार एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत खुशी ला सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य को भी निरंतर जांच में रखने की आवश्यकता है ताकि आप जीवन में कुछ अद्भुत करने और सफलता प्राप्त करने की ताकत और क्षमता प्राप्त कर सके। सूर्य इस माह 18 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ करियर के अवसरों को अपनाएं और अपने कौशल का प्रदर्शन करने का प्रयास करें। हालांकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखें ताकि आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित ना हो, वरना यह आपके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और फिर आपके पास अपने पेशेवर जीवन में अपनी प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता को व्यक्त करना आसान नहीं होगा। बुध 19 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी आय को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाएं, जैसे कि फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम नौकरी करना। याद रखें, आज लिए हुए बुद्धिमान वित्तीय निर्णय एक सुनिश्चित भविष्य की नींव रखते हैं। यदि आप अकेले हैं तो इस समय का उपयोग आत्म प्रेम और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें। याद रखें, एक अच्छा प्रेम जीवन खुशी और कल्याण में योगदान होता है।
राहु 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यदि आप केवल अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में भूल जाते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व का पर प्रभाव डालेगा और उस पर यह प्रभाव डालना शुरू होगा। यह आपके लिए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में फिर से सोचने और कुछ बदलाव करने का संकेत होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत संबंधों की देखभाल करके, आत्म देखभाल के लिए समय निर्धारित करके और अपने वित्त को बुद्धिमानी से संभालने से आप अपने जीवन में एक स्वस्थ संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। केतु भी उसी दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे। अभी आपके लिए अपने करियर, वित्त और प्यार के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि सावधानी पूर्वक योजना और प्राथमिकता के साथ संतुलन प्राप्त करना संभव है। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करके शुरुआत करें। एक शेड्यूल बनाएं जिसमें काम करें और छुट्टी दोनों के लिए निर्धारित समय शामिल हो। इसके अलावा अपने आप की देखभाल करने और आराम करने के लिए भी समय निकालें। यह महीना व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महान समय होने जा रहा है। आप अपने आप पर काम करने की क्षमता प्राप्त करेंगे। यह कुछ ऐसा है कि जो आपको जीवन में बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। हालांकि अब यह शुरू करने का एक अच्छा समय है और आपको हर चीज से पहले अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। याद रखें कि आपको अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीने का अधिकार है और यही खुशी की सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।